चलते हैं, वो बुला रहा है दोस्त, उसकी तरफ चल रहे हैं। ये देखो, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये स्ट्रॉबेरी है। अभी तकरीबन 2 माह तक ये स्ट्रॉबेरी ना आ जाएगी, या 1 माह लगेगा तकरीबन। एक वालेकुम, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है, क्योंकि आज आपको दिखाने वाला हूँ अपना बेहतरीन गांव। तो आज सारा गांव का टूर करेंगे इंशाल्लाह, और आप सबको दिखाएंगे कि तो गांव में माहौल कैसा होता है। इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा और एंड तक व्लॉग देखिएगा। तो भूल ही गया मैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और ये देखें, जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, कैट उड़ रही है। तो ये सामने सामने भी देख सकते हैं आप, ये देखें। आज तो मौसम ही बहुत ज़बरदस्त हुआ पड़ा है, देखें। आए हाय हाय, आज बाहर धूप भी निकली है बड़ी ज़बरदस्त। आज सूरज भी देखें कैसा आया है। हाय हाय, मुझे तो आप जानते ही हैं। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अभी निकलते हैं बाहर। दोस्त को वेट कर रहे हैं, वो जैसे कॉल करता तो फिर बाहर जाते हैं और फिर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। A few moments later. वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। तो आज मैं आया हूँ अपने गांव के बाहर। तो इधर मैं आपको आज आपको दिखाऊंगा स्ट्रॉबेरी, अमरूद, और अमरूद के अलावा साग आपको दिखाएंगे। और इधर देखें काश्तकारी कैसे होती है, आपको सब ये दिखाएंगे, ठीक है? चलते हैं, वो बुला रहा है दोस्त, उसकी तरफ चल रहे हैं। ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये स्ट्रॉबेरी है। अभी तकरीबन 2 माह तक ये स्ट्रॉबेरी ना आ जाएगी, या 1 माह लगेगा तकरीबन, 1 माह लगेगा। इसलिए पूछते हैं भाई से। हाँ जी, या कदों तक स्ट्रॉबेरी हो जाएगी? हाँ जी, महीना लग जाएगा। अच्छा, लो जी भाई कह रहे महीना लग जाएगा स्ट्रॉबेरी को। तो है कि कर रहे हो, गोडी कर रहे हो? है गोडी कर रहे ना भाई। ये मेरा दोस्त है जुल्करनैन। और जुल्करनैन भाई कैसे हैं? जुल्करनैन नहीं, जुल्करनैन। अपना तारुफ आप खुद करवाएं। आई एम जुल्करनैन। तो क्या करते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं, आवाम की खिदमत। ये पंजाब पुलिस के खिदमतगार हैं। हाँ जी, एक गोडी कर रहे हो तुसी? गोडी हो गई। तारफ कराओ जरा नेट वालों को, ते दसो की लाया है। सलीम साहब उर्फ की है? सलीम साहब ने साडे बहुत अच्छे चाचे ने। ते की लाया चाचा जी? खिताबरी। ते ए अमरूद कदों तक हो जाएंगे? ये अमरूद लगा हुआ है? अमरूद नहीं भाई, ये स्ट्रॉबेरी। ये अमरूद, ये वाला भाई, ये अमरूद लगाए हैं ना बीच में। अब ये स्ट्रॉबेरी कब तैयार हो जाएगी? ये कब तैयार हो जाएगी? बस यार धुप्पा लगन की देर है बस। अच्छा, चलो असि अल्लाह पाक को दुआ करने, अल्लाह पाक धुप्पा लाए। हां जी, दुआ करो जी। लो जी जुल्करनैन भाई, आप इसको पकड़े जरा। ये कैसे करते हैं इनको बताएं दोस्तों को। सलीम भाई ये बताएं। अच्छा नहीं, वो सलीम भाई करके दिखाते ना आपको पहले। अच्छा, ओ वाह, ये देखें इसको गोडी गोडी कहते हैं। गोडी हो रही है, ये होती है, फिर इसके बाद पानी लगता है। हल, ये हल है, हल छोटी, हल छोटी, हल खेतों वाली। ये अब इसे ऐसे उठाएंगे? हाँ चुप कर बे कुत्ते। ये देखें, अब वो सामने हमारे गांव का ये बंदा है, वो बड़ा बोल रहा है। आ जाओ अभी, बस छोड़ दो इसको। ये देखें, ये स्ट्रॉबेरी का ये फूल निकल आया है। तो ये तकरीबन 1 माह लगेगा, 1 माह या 1.5 माह लगेगा, या क्या पता इसे काम भी लग सकते हैं। इसी तरह ऐसे धूप पे डिपेंड करता है। अगर धूप जल्दी निकल आई तो ये जल्दी बन पक जाएगी, अगर ना निकली तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अब जा रहे हैं अब उनके पास। वो देखिए सामने अमरूदों का बाग है, ये सामने सारा अमरूदों का बाग है। तो ये अमरूद तोड़े हैं,
इनसे पूछेंगे जाके, ये देखें कितने प्यारे अमरूद लगे हुए हैं। ये मशरपुर के मशहूर, क्या हाल है जी? जनाब ठीक ठाक है, तबीयत से ठीक है? क्या हाल है बुब्बा जी, क्या हाल है? इसका महबूब नाम है उर्फ बुब्बा, और ये अमरूद तोड़ रहे हैं। ये देखें अभी ना धूप नहीं ना निकल रही, तो इसकी वजह से कच्चे अमरूद, तो आहिस्ता आहिस्ता पक जाएंगे। ये देखें मुझे भी दो यार, एक मीठा सा अमरूद मैं भी ले लेता हूँ, ले लूँ ना राशिद भाई। ये देखें हाय हाय हाय, ये देखें अमरूद, बड़ा मीठा अमरूद है, लेकिन धूप की वजह से ना अभी वो टेस्ट नहीं रहा जो शरपुर का मशहूर जो होता है ना अमरूद, उसका वो टेस्ट नहीं रहा। इसी तरह है दुर्गन भाई, ऐसे ही ऐसे मैं भी जा, और सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ी है ना, वजह से ना सही पट नहीं रहे। जलाओ दोस्तों को, वो भी दिखाते हैं फूल लगे हैं, गुलाब हमारा गुलाब का फूल। नहीं नहीं हम मोटरसाइकिल लेके नहीं आए, हम पैदल आए हैं, हम पैदल एंजॉय कर रहे हैं। हां जी हां जी, तो आपको वो दिखाते हैं गुलाब के फूल लगे हुए हैं, हमारे गांव के पास ही है। ये हमारे गांव के पास है, हमारा गांव आगे है, ये सारा विलेज जो है ना ये सारा पीछे है, तो ये साथ ही कब्रिस्तान भी है हमारे गांव का। ले जी ये है फूल, गुलाब जामुन गुलाब का फूल, सॉरी गुलाब जामुन बोल दिया। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देख माशाल्लाह तोड़ लेते हैं एक। ये देखें ये सारा गुलाब के फूल लगे हुए हैं सारे इधर। मुझे वो सारे गांव के दोस्त पूछ रहे थे, कहते उन्होंने नहीं पता है, मैं कह ये शहरियों लोग से वे वीडियो कि नहीं सुलकलन भाई ऐसी है ये बदतमीजी कर रहा है आगे से। ये मेरी तरफ से आपके लिए, थैंक यू भाई, दो हो गए फिर तो मेरे पास, आप प्यारे हैं ना इसलिए। ओए आई लव यू, दे शर्म, शर्म करो शर्म। चलें अब इनको गाइस को और भी चीज़ें दिखाते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे वादा रहा मेरा, आपको ऐसी तरह ना अच्छी अच्छी चीज़ें और भी दिखाया करेंगे ना, गांव में जो काश्तकारी होती है। ये देखें ये क्या लगा हुआ है, ये लहसुन, ये लहसुन लगा हुआ है देखें जी जुगन भाई। ये देखें ये अभी ना अभी धूप नहीं ना निकल रही, उसकी वजह से भी लहसुन भी अभी उसी तरह ही है, अभी उगा ही नहीं है, उग तो गया है लेकिन अभी बड़ा नहीं हुआ, उग तो गया है लेकिन बड़ा नहीं होया पंजाबी से असी कह दें, क्योंकि पंजाबी साड़ी सही है, उर्दू च असी हट जाते हैं क्योंकि असी पंजाबी ये बंदे हैं, उर्दू साड़ी फस जाती है, ऐसे ही है आ रहे हैं। हाँ जी ले जी, वाह जी वाह, ये तो मोहब्बत है ना, बिस्मिल्लाह। ये अंकल है हमारे बहुत अच्छे, इनका नाम साई नहीं है, वो क्या नाम है इनका? सलीम, सलीम, सलीम उर्फ मेहनत करना कोई आसान काम नहीं है, वो अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं ऐसे ही है जुलकरण, देखें वो उसने थोड़ा सा किया तो उसके पसीने निकल आए। हाँ जी इसी तरह है जुलकरण भाई, अच्छी वर्जिश है ये भी, ये गांव वालों की वर्जिश है। हाँ जी लोग जिम में जाते हैं ना, ये लोग ऐसे करते हैं। हाँ जी इसी तरह के हमारे हसन भाई आए हैं। हसन भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं सर। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। और यार ये बताएं क्या लगाया अपनी आपने, ये हसन भाई की ये जमीन है सारी ये वाली, तो हसन भाई बताएं क्या लगाया इसमें? गंदम लगी ये सब भाइयों को पता है कि नहीं, ये जो शहरी लोग है ना उनको नहीं ना पता, नहीं पता है सारों को पता है, सबको पता है, नहीं हम गांव वालों को ज्यादा पता है, शहरी जो मम्मी डैडी बच्चे उनको कम पता, तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ। ये गंदम है सारी, और ये गंदम है सारी, ये कब तक तैयार हो जाएगी हसन भाई? इसको लगेंगे तकरीबन 3 माह तक इंशाल्लाह, ये भाई कह रहे हैं 3 माह इसको लग जाएंगे तकरीबन। हाँ जी तो 3 माह में हो जाएगी। तो ये हसन भाई उन्होंने, ये भी अमरूद भी इन्हें के हैं। हाँ जी। और ये गंदम भी लगी है, और हसन भाई ये स्ट्रॉबेरी आपने इन्होंने ठेके पे दी हुई है। गाँव में ताज़ा हवा मिलती है हमें, गाँव में रहने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, इसी तरह जुलकरण भाई बहुत ज्यादा फायदे हैं गाँव में रहने के, हमें ताज़ा हवा मिलती है, उसके बाद अच्छी सब्जियां सरसब्ज माहौल मिलता है हमें, जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब गांव में लोग जो रहते हैं उनको पता है, जो शहर में रहते हैं उनको नहीं पता, वो समझ नहीं सकते इस चीज को। तरुण भाई जा रहे हैं क्योंकि हम आज पैदल आए थे, हमने ब्लॉग बनाना था, इसकी वजह से हम पैदल। ये पास ही तो घर है, वो सामने मस्जिद आपको नजर आ रही है, तो उस मस्जिद के उस पार हमारा घर है। इसी तरह हंस क्यों रहे हैं आप? मैं पैदल चल रहा हूं। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ आया है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा शर्मा रहा है और हंस भी रहा है मेरी बातों को देख के। और ये फूल कितना प्यारा लगाया है जुल्कलन भाई ने, कि गंदम कितनी अच्छी लगी है, एक लेवल की है। मैं देखे ये सारी ज्यादा लहसुन, ये भी लहसुन लगा हुआ है और ये लगा शटाला लगा हुआ। एक चीज़ रहती है अभी आपको, हमने ट्यूबवेल दिखाना है, ट्यूबवेल जिसमें लोग नहाते हैं और अपनी गंदम को पानी लगाते हैं। ज़्यादा तो गंदम को पानी लगाने के लिए सर्दियों में यूज़ होता है, और गर्मियों में लोग नहाते भी हैं और गंदम को पानी भी लगता है, ये ज़मीनों को सारों को पानी भी लगता है। आ रहे हैं ये मूलियाँ लगी हैं ना, मैंने सुना साग लगा हुआ है, गोंगलू, ये देखिए गोंगलू लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देख, ये भी छोटे छोटे हैं और बड़े हो जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि धूप है, धूप लग नहीं रही आज, आज धूप निकली है, देखें सूरज अरूज पे है। ये गोंगलू सारे लगे हैं। हाँ किरण भाई, अच्छा ये मूली है, चल जाए, ये मूली है, ये मूली है, ये मूली है, ये देखें, ये नज़र आ रही है आपको, ये मूली है क्योंकि अभी छोटी छोटी है ना, वो मेथी है, ये मेथरी। हाँ ये मेथी लगी हुई है सारी मेथी, और ये बीच में साग भी लगा, ताजा सब्जियां। हाँ ये साग है, ये गोभी सरों का साग है, अभी ये भी बीच में लग जाता है ना, फिर बीज होता है ना इसमें। ये मेथी है, ये गांव के मजे हैं। अभी तक मेरा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया, वो जल्दी से ज्वाइन कर ले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करे, और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें।